तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसे कि ये वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो सिंपल आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है। मैंने एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा आपको बाहर आ जाएगा। इसके बाद वीडियो को आपको एक बार प्ले कर देख लेना है और आपको 1.9 के आसपास आना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है और आपको SP2 प्ले हिट कर देना है। और फर्स्ट वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और मीडिया पर आना है। आपने जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, SP2 प्ले हिट कर देना है। वीडियो का आई तरफ लेकर आना है, यहाँ पर आपको 1.9 तक का आपको यहाँ पर सीन ले लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो 1.9 पे आ गया हुआ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद आइडियो वाला लेयर पे क्लिक करेंगे, इसे हमें लास्ट तक लेकर आ जाना है। अब आपको एक बार वीडियो प्ले कर देख लेना, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल आपको लास्ट को पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है तो सिंपल वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसी वीडियो का साउंड पे आपको वीडियो को अपलोड कर देना है।